सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 2 बजे की प्राइम चर्चा का। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। इस बार उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम के घर बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर गुलाम के घर पर पहुंची है और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित उनके घर को गिराया जा रहा है। इसके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। घर के साथ उनके 10 कमरे वाले लॉज को भी ढाया गया। गुलाम इन कमरों को स्टूडेंट को किराए पर देता था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल शूटआउट में अब तक 3 आरोपियों के घर दमी दोज कर दिए हैं। बता दें, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं प्रयागराज में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। बता दें, लगातार उमेश पाल हत्याकांड में बाबा की बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर गुलाम के घर पर पहुंची और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बता दें, गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित उनके घर को गिराया जा रहा है। बता दें, बाबा का जो बुलडोजर है बीते 1 महीने से लगातार उसकी कार्रवाई चल रही है। बता दें, अतीक के गुर्गे के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है और इस बार उमेश पाल केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। इस बार उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम के घर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर गुलाम के घर पर पहुंची हुई है और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में अभी भी 5 शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं, जिनको लेकर टीमें गठित की गई हैं और लगातार इसको लेकर छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण को भी पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। बता दें, गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित उनके घर को गिराया जा रहा है। बता दें, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाबा की बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में 1 महीने से बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर सतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। और इस बार उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम के घर पर बुलडोजर चला है। बता दें, सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। इस हत्याकांड में 25 दिन बाद भी बुलडोजर ने हुंकार भरा है। सरकारी अमले ने आज अब बुलडोजर के एक्शन की बारी उन सूत्रों के संपत्ति की आई है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 लाख की इनामी मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज कर दिया गया है। बता दें, प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र के महदौली इलाके में स्थित मोहम्मद गुलाम के पुस्तैनी मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण बिना नक्शा पास होने के चलते जमींदोज किया। बुलडोजर के एक्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर भारी संख्या में
पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें, पुलिस फोर्स को पहले पहुंचता देख घर वाले खुद ही सामान को निकालने में लग गए थे। गुलाम की माँ और भाई मिलकर घर की जमा गृहस्थी को पड़ोसी के घर में पहुंचाने में लगे थे। बता दें, इस पूरे मामले पर शूटर के परिवार ने क्या कुछ कहा है। वहीं इस कार्रवाई पर मोहम्मद गुलाम की मां का कहना है कि उनका यह मकान तो सास ससुर ने दिया था, मोहम्मद गुलाम का इस मकान में कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बंटवारे में उसे जो हिस्सा दिया था उसे पहले ही बेचा जा चुका है। वहीं मोहम्मद गुलाम के भाई रासिल हसन का कहना है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कभी उनको कोई नोटिस नहीं दिया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, एक बार फिर से प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर गरजा है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल मयूरी, अगर इस पूरे घटना की सिलसिलेवार बात की जाए तो बीते 24 फरवरी को एमपीएमएलए कोर्ट से वापस लौटते समय अधिवक्ता उमेश पाल की दिनदहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा इस पूरे घटना में करीब 13 आरोपियों को नामजद किया गया था। अगर पूरे घटना को देखा जाए तो पुलिस द्वारा बीते दिनों पहले दो अपराधी को अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है और इस पूरे घटना में शामिल जितने भी आरोपी हैं, जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं, पुलिस और पीडीए की टीम द्वारा उनके घरों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आज ये यहाँ पर इस तरीके ये कार्रवाई की गई है। कहा गया है कि ये जो आरोपी है ये भी इस घटनाक्रम में शामिल था और गुलाम नाम के इस अपराधी के ऊपर पुलिस ने आज यहाँ पे पीडीए की टीम ने कार्रवाई की है और करीब 325 वर्ग गज के इस मकान को आज जमी दोष कर दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गुलाम हसन जो भी इस पूरे घटना में शामिल था। जी जी पवन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे साथ बता दें दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ केसी जैन जुड़ चुके हैं जो अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। और सपा प्रवक्ता हमारे साथ भुवन भास्कर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं केसी जैन जी के पास जाऊंगी। केसी जी, सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। केसी जैन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर हमसे जुड़े हुए हैं। भुवन जी, देखा जाए बाबा की कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रयागराज में एक बार फिर से बुलडोजर चला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं चाहता हूं, जो हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, हम किसी भी बुलडोजर की कार्रवाई के पक्षधर नहीं है। हमारा मानना है कि ये देश इस देश के संविधान और कानून से चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई कोई भी संवैधानिक नहीं है, हम इसके पक्षधर नहीं है। इसके साथ साथ हमें लगता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, ये निश्चित तौर पे अपनी उस नाकामी को छुपाने का प्रयास है जो कि इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बताने के लिए काफी है कि दिन दहाड़े ये हत्या हुई है और इतने लंबे समय के बाद भी अपराधियों का कुछ अता पता नहीं है। निश्चित तौर पर योगी सरकार लोगों का ध्यान उस अपनी असफलता से हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ केसी जैन जुड़ चुके हैं। केसी जी, ये बता रहे हैं कि कुछ किया नहीं है। कह रहे हैं कि ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। दिख रहा है, किपलर है, मुझे भी दिख रहा है। जहां तक विपक्ष है, विपक्ष लगातार अभी तक इस बात को लेकर के हमलावर था कि कार्रवाई नहीं हो। आज जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज है, जो माफिया राज हुआ करता था, वो चाहे योगी वन की सरकार रही हो या योगी टू की सरकार, यानी कि जो दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, लगातार अपराधियों पे कार्रवाई हुई और अपराधियों का मनोबल गिरा है, अपराधियों के अंदर भय व्याप्त है। आप देखिए, जो गुजरात में बंद है वो यूपी नहीं आना चाह रहा है, जो पंजाब में बंद है वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहा है। तो जो दुर्दांत इतने बड़े बड़े माफिया हैं, जिनकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक जब्त कर चुकी है और उनके जो गुर्गे जो जेल के बाहर सक्रिय थे उनको भी निष्क्रिय किया गया, उनको भी निस्तो नाबूद किया। तो कुल मिलाकर के आज जो लोग अपराधियों को अपनी
गोद में बैठाते थे, पालते पोसते थे, उनको माननीय बनाने का काम करते थे, उनके अंदर दर्द और पीड़ा होना सामान्य सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, विधि सम्मत जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि जब कार्रवाई होती है तब कभी कहते हैं कि ये फला जात का था, फला संप्रदाय का था, किसी को मुस्लिम बता देंगे, किसी को यादव बता देंगे, किसी को ब्राह्मण बता देंगे, जबकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और आप देखिए कि जब योगी वंश की सरकार थी तब भी जो दुर्दांत अपराधी मारे गए उसमें चाहे भाटी हो, चाहे जाट समाज के हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, वो देखा गया कि कौन सा अपराधी है, किसके ऊपर कितने का इनाम है और उसके उसको पुलिस बांटने के लिए नहीं गई, पुलिस तो जाती गिरफ्तारी करने के लिए। लेकिन ये 2012 से 2017 तक की जो सरकार रही जिसमें पुलिस पिट करके आती थी, जब पुलिस गिरफ्तारी करने जाती थी पुलिस उल्टे बंधक बना ली जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपराधियों का लगातार सफाया भी कर रही है। वो चाहे जेल भेजे उनको, चाहे उनके ऊपर अन्यत्र कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो, कुल मिला करके अपराधियों को जो पुलिस का काम है कि पुलिस का इकबाल बुलंद हो, अपराधी नेस्तो नाबूद हो और अपराधियों के अंदर सरकार का भय व्याप्त हो, शासन का भय व्याप्त हो, साथ ही साथ जो आम जनता है, आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, आम जनता खुशहाली के साथ जी सके और अपराधियों के से जो आम जनता भयभीत थी, आज जो अपराधी आज वो भयभीत है, आज आम जनता भयभीत नहीं। और अगर कहीं पे भी कोई कार्रवाई कोई घटना इस तरीके की हो जाती है, उमेश पाल हत्याकांड में देखिए तो अभी भी कई अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और सवाल भी यही खड़ा हो रहा है कि सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो 5 अपराधी हैं अभी वो पकड़ से दूर हैं। देखिए मयूरी जी, उसमें 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और उस्मान और एक व्यक्ति और दो का पुलिस ने जो इनकाउंटर में मारे भी गए हैं, बाकी लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है, गिरफ्तार भी किया है, पूछताछ हो रही है। और आपका कहना सही है, उसमें जो इनकी पत्नी है वो अभी गायब है, एक दो लोग और गायब है, लेकिन उसके लिए भी जो आगे की कार्रवाई है वो चाहे कुर्की की कार्रवाई हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, या उनको चिन्हित करने के लिए, पहचानने के लिए उनके पोस्टर लगने हो, अभी न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत उनको नोटिस जारी किया गया है और समाचार पत्रों में भी इस चीज को जारी किया गया है कि अगर वो जल्दी से जल्दी सरेंडर उनका नहीं होता है, नहीं मिलती है, तो उनकी पहचान को उजागर करने के लिए उनके पोस्टर भी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जारी करेगा, जिससे कि अगर वो कहीं पे दिखाई देती, कहीं पहचान में आती है तो उसको अन्य लोग भी सूचना दे सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो देखिए 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, ज्यादातर चीजें खुल करके सामने आ गई हैं और उसमें 2 इनकाउंटर भी हो चुके हैं और बाकी लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरा सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लिया है और सख्त कार्रवाई आपको आगे देखने को मिलेगी। कितना भी विधवा विलाप विपक्ष कर ले, कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है, उसके ऊपर जो भी सम्मत कार्रवाई वो होगी और हो के रहेगी। जी मैं भुवन भास्कर का रुख करूंगी। भुवन जी, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? सरकार तो लगातार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। भुवन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? भुवन जी आपको आवाज आ रही मेरी? भुवन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। भुवन जी, आप इस बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? सरकार तो लगातार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस में ये बात है, गूंज रही है, उनके मन में एक धारणा बन रही है कि इतने लंबे समय के बाद अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं और उनको कोई डर और भय पहले भी नहीं था जब उन्होंने घटना को अंजाम दिया, आज भी वो पुलिस से दूर है।
और निश्चित तौर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है केवल केवल धाम भ्रमित करने के लिए लगाई जा रही है, जिसका की जो की प्रॉपर्टी के ओनर भी बता रहे हैं इसका कोई संदर्भ नहीं है उनसे। तो निश्चित तौर पर ये आज हमारी जो पार्टी है उससे साफ स्टैंड दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है और देश का जो कानून है इससे व्यवस्था को चलना चाहिए। भुवन जी, इस पूरे हत्याकांड में तो कार्रवाई की गई, देखिए आप ये बताइए कि जितने हत्या में अभियुक्त थे कितने गिरफ्त में इनके हैं, ये बताइए आप कि इतने गिरफ्त में सब लोग घूम रहे हैं खुलेआम, तो खुलेआम घूम रहे हैं तो इनकी सरकार क्या है, इंटेलिजेंस क्या है इनका? मैंने पहले भी बोला था आपके चैनल थे, इनका इंटेलिजेंस इनका लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब फेलियर हुआ है। क्या भुवन जी आप कहीं ना कहीं सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार? सरकार के द्वारा योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा कानपुर में जो कुटी है मार है उसकी हत्या हो जाती है, आप जो घटना दिन रात कम चल रहे हैं प्रयागराज जैसी जगह में और वो उसके बाद गायब है जो जा रहे हैं, तो ये बताने को काफी है कि कैसा इनका इंटेलिजेंस है, कैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बताने को काफी है। बुलडोजर की कार्रवाई से केवल केवल झूठी वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस उत्तर प्रदेश का सीधे समझ चुका है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन इनका फेलियर हो चुका है। केसी जैन के पास चलूंगी। जैसा कि भुवन जी साफ तौर पर बस यही कह रहे हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए की जा रही है, वाहवाही लूटने के लिए की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मयूरी जी, पहली बात तो ये है कि शासन प्रशासन का काम है कि आम जनता के अंदर कानून के प्रति एक जो कानून का राज है वो दिखाई देना चाहिए और जनता को लगना चाहिए कि वो सरकार में सुरक्षित है। और जिस प्रकार से भुवन जी बार बार कह रहे हैं कि एक प्रदर्शन की कार्रवाई है, दिखावे की कार्रवाई है, और जब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब भी किसी दुर्दांत अपराधी पर कार्रवाई की है तो इसी विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। अभी भी जो कार्रवाइयां हो रही है कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनका लगातार मनोबल बढ़ाने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनकी भाषा शैली रहती है अपराधियों के प्रति और जिस प्रकार से लगातार ये बचाने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिए कि अपराधियों का जो मनोबल गिरना चाहिए उसके बजाय जो अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है, मंशा क्या है, विपक्ष आखिर चाहता क्या है? विपक्ष जब कार्रवाई होती है तब भी सवाल खड़ा करता है, विपक्ष जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी सवाल खड़ा करता है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई होती नहीं है, जब कार्रवाई लेट होती है तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि कार्रवाई इतनी लेट क्यों हो रही है। और आप देखिए इसमें से जो प्रयागराज में घटना हुई, जो मर्डर का केस हुआ और जिस प्रकार से घटना को दुर्दांत अपराधियों ने अंजाम दिया और जिस प्रकार से जो शाइस्ता बेगम है इसमें जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उनकी भी धरपकड़ जारी है और अतीक अहमद के गुर्गे जिस प्रकार से इस दुर्दांत घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद में जब दो दुर्दांत अपराधी उसमें के मारे गए इनकाउंटर में तब भी सवाल खड़ा किया कि आप इनकाउंटर क्यों कर दे रहे हैं, आप पकड़िए, आप जेल भेजिए। अरे पुलिस तो पकड़ने के लिए जाती है, पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए जाती है, लेकिन क्या है कि जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए जाती है, कैसे लगातार कार्रवाई जारी है? अभी भी शाइस्ता प्रवीण घटना के इतने दिन बाद भी गायब हैं, कई अपराधी हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जी देखिए हम बता रहे हैं आपको 40 से ज्यादा जो इस घटना में इन्वॉल्व लोग हैं पकड़े गए हैं और दो लोगों का उसमें इनकाउंटर हुआ है, बड़ी कार्रवाई है छोटी कार्रवाई भी। 40 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अभी वो अपराधी नहीं पकड़े गए हैं जो सीसीटीवी कैम फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी और कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से सवाल खड़ा कर रहा है केवल दिखावे की कार्रवाई है, कोई दिखावे की कार्रवाई नहीं है,
लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है और नियम कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, दबाव बना करके कार्रवाई की जा रही है लगातार, और इसमें कोई भी दुर्दांत अपराधी बचने वाला नहीं। जी भुवन जी, जैसा कि केसीआर जी कह रहे हैं, विपक्ष अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ा रही है। चाहता हूँ आपकी सरकार है, आपका इंटेलिजेंस है, दिन दहाड़े वो बम फेंक रहे हैं, गोली मर लग रही है, सरकारी लोगों को भी लग रही है, तो ये तो सरकार का फेलियर है। विपक्ष क्या कह रहेगा, विपक्षी सरकार थोड़ी है। ये बार बार भूल जाता है कि सरकार किसकी है। सरकार माननीय योगी जी की है, एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का है, इंटेलिजेंस इनका है, और ये कह रहे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि अपराधियों को आप इतने लंबे समय से क्यों नहीं पकड़ पा रहे। हमारा प्रश्न तो ये है कि लंबे समय से वो अपराधी कैसे घूम रहे, कैसे प्रदेश हमारा सुरक्षित होगा जब अपराधी ऐसे घूम रहे होंगे, हत्या करने के बाद भी दिन दहाड़े वहां जो घटना घटी, बम फेंकी, लोग दहशत में है। तो ये तो सवाल का जवाब आज नई रीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि जो कुछ भी घटना घट जाए उसके लिए विपक्ष को कहते। अरे आप अपने फेलियर को कब स्वीकार करेंगे, आप अपने सरकार। भुवन जी अगर देखें तो आपकी पार्टियों पर भी इन अपराधियों को सह देने का आरोप लगते रहे हैं। आपके जब सत्ता थी तो ये खुलेआम घूमते थे। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के नेता ने तो, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इनको धक्के देके बाहर कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता यो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बताते सदन में कि आज भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेता है, तो नहीं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सूची जारी करें अपराधियों की, टॉप 10 क्यों नहीं सूची जारी कर रहे। भुवन जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इन सबको बाहर कर दिया, तो शिवपाल यादव अफजल अंसारी के पास क्यों गए, उन्हें साधने की कोशिश क्यों की। कोई भी व्यक्ति सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन जीता है, वो किसी से भी मिलता है, तो ये नहीं है। अपराधी कौन है, अपराधी को सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है। हम कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि सरकार टॉप 10 टॉप 100 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी कर रही है, सरकार अपने जो उसको संवैधानिक अधिकार मिले हुए उनका प्रयोग क्यों नहीं कर रही है। इस लड़ाई को भुवन जी, केसी जैन से मैं ले लेती हूँ ये सवाल, इनका जवाब भी वही देंगे। सीधे विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है कि आखिर आप अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। केसी जैन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। केसी जैन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, विपक्ष बस एक ही सवाल आपसे पूछ रहा है कि आखिर अपराधियों की पकड़ अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। केसी जैन जी, विपक्ष एक ही सवाल खड़ा कर रहा है कि अभी तक अपराधियों की पकड़ क्यों नहीं हो पाई है। इसी विपक्ष ने पाला पोसा अतीक अहमद को, यही लोग सांसद बनाने वाले हैं, यही लोग महिमा मंडन करने वाले हैं। तो जो लोग अपराधियों को पालते पोसते रहे, उसका महिमा मंडन करते रहे, उनको माननीय बनाते रहे, आज वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप करते क्या रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अपराधियों पे अंकुश लगा रही है, अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, और आज अपराधी तख्ती लेकर के पहुंच रहे हैं थाने के सामने कि हमारा एनकाउंटर मत करना, ये मैं फला हूं, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। लगातार अपराधी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और उसके बाद से 6000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और जिनमें से 100 से ज्यादा ऐसे दुर्दांत अपराधी जो 1-1 लाख 2-2 लाख के इनामी बदमाश थे, वो पुलिस इनकाउंटर में ढेर भी हुए।
सौ से ज्यादा दुर्दांत अपराध, लेकिन इन्हीं अपराधियों को विपक्ष कभी कहता है ये यादव थे, कभी कहता है मुस्लिम थे, कभी कहता है ब्राह्मण थे। जिस समय विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इसी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि आपने इनकाउंटर क्यों कर दिया, उसको गिरफ्तार करते जेल भेजते, जबकि वो एक घटना थी, एक दुर्घटना थी। जब वो पुलिस के ऊपर हमलावर होता है तो जाहिर सी बात पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगा। आपको याद होगा जियाउल हक हत्याकांड, आपको याद होगा कि किस प्रकार से इसी इलाहाबाद में किस प्रकार से जियाउल हक जैसे सीओ की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है और अपराधी लोग उसकी हत्या कर देते। तो अब माहौल उत्तर प्रदेश का अलग है, अब पुलिस पीट करके नहीं आती है, अब पुलिस जाती है अपराधियों को घसीट के लेके आती है, जेल भेजती है, और जिनके पास नाजायज संपत्तियां हैं उन पे बुलडोजर भी चल रहा है, जिन्होंने अनैतिक तरीके से शक्ति का दुरुपयोग करके और अपने बाहुबल का उपयोग करके जिन्होंने आम जनता को परेशान करके संपत्तियां अर्जित की है उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो इसमें क्या परेशानी विपक्ष को है, क्या बुलडोजर क्यों चला रहे? और इनकाउंटर करने के लिए पुलिस नहीं जाती है, पुलिस जाती है गिरफ्तारी करने के लिए, और इनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़, और उसी मुठभेड़ में कई हमारे पुलिसकर्मी भी कई बार घायल हो जाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी जब जवाबी कार्रवाई करते हैं उसमें दुर्दांत अपराधी मारे भी जाते हैं। विपक्ष के पेट में क्यों दर्द होता है, सीने में क्यों दर्द होता है, और आपको क्या परेशानी है? देखिए, हमने कहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है विधि सम्मत नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि देश जो चलेगा संविधान से चलेगा, भारत के कानून से चलेगा, ना कि बुलडोजर से चलेगा। ये बुलडोजर के लगातार ये लगा लीजिए जो विफलता है, अगर बुलडोजर का भय इतना होता तो क्या अपराधी इतनी वारदात कर पाते? इनका बुलडोजर भी फेल हो चुका है। हम लोग इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को मानने लगे, विधि सम्मत कार्रवाई को की के पक्षधर लोग। जी केसी जैन जी, भुवन जी का कहना है कि देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई से नहीं। देखिए मयूरी जी, चाहे भुवन जी हो या विपक्ष का कोई और नेता हो या कोई और पार्टी, वो इसी तरीके के तर्क तर्क देते हैं। अगर आपको लगता है आप भी विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी भूमिका कम नहीं होती है शासन सत्ता को चलाने में और जनता को न्याय दिलाने में। अगर आपको लगता है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई गलत है और जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ वो कार्रवाई गलत है, पुलिस जो अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है वो गलत है, आपको लगता है कि आप जितने अपराधी सबको माननीय बना देना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी को गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, आप न्यायालय की शरण में जाइए। न्यायालय तो सबके लिए बराबर है, न्यायालय तो खुला हुआ है। आप लोग तो छोटी छोटी सी बातों में, यहाँ तक कि ईवीएम मशीन के लिए बताते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो गई, ईवीएम मशीन के लिए बताते हैं फर्जी पोलिंग हो गई, उसके लिए आप उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको लगता है बुलडोजर की कार्रवाई गलत हो रही है और आप लोग जा चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने लथा भी लगाई है कि कोई कार्रवाई गलत नहीं हो रही है, विधि के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और अनैतिक संपत्तियों को बुलडोजर चलना चाहिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का वर्जन भी आया है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, आप लोग फेल हो गए। अब आप यहाँ पे बैठ करके चैनलों पे कहते हैं कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अरे बुलडोजर चलना या मुठभेड़ होना या पुलिस के द्वारा किसी की गिरफ्तारी करना, यही तो प्रक्रियाएं हैं, और क्या करेंगे? आप रजिस्टर डाक से चिट्ठी भेजेंगे, लेटर भेजेंगे क्या अपराधियों को कि आप सरेंडर कर दीजिए? सहजता परवीन अभी तक क्यों नहीं सरेंडर कर रही है, जबकि सब कुछ सारी चीजें हो रही है, लगातार पेपर तक पे गजट प्रकाशित हो चुका है, सारी चीजें सामने है, पुलिस लगातार रेड डाल रही है और पेपर मीडिया में अपराधी अपने घर में बैठ करके भी चीजों को देख रहा है, जहां पे छुपा हुआ है वहां भी उसको खबरें मिल रही है। तो जब उनको मालूम है कि उनका नाम इस केस में है पूरे और दो इनकाउंटर हो चुके हैं, 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अभी अभी अगर इसी सहजता परवीन के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, यही विपक्ष बैठ के विधवा विलाप करेगा, फिर कहेगा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी पुलिस किसी घर में पता चलता है जो छुपी बैठी है और हथियार बंद लोगों के साथ छुप करके घर में बैठी हुई है, किसी घर में, किसी होटल में, कहीं कहीं पर भी पुलिस को खबर लगती है, पुलिस जाती है वहां कार्रवाई करती है, तो कहेंगे कि आपने उसको गिरफ्तार करने वहां क्यों गए, उसको सरेंडर कराते, वहां पे ये नहीं था, वहां पे वो नहीं था, सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए जब आप गिरफ्तारी करने जाते। दुनिया भर के प्रश्न विपक्ष खड़े करेगा, लेकिन वो सरेंडर क्यों नहीं कर रही है ये विपक्ष नहीं बताने वाला है, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रही है। और जब सरेंडर नहीं कर रही है तो पुलिस विधिक कार्रवाई के अंतर्गत जहां भी मिलेगी उनको
कार्रवाई करेगी, गिरफ्तार करेगी, और अगर हथियारबंद लोग हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसमें गोलीबारी भी हो सकती है, उसमें कोई हताहत भी हो सकता है, क्योंकि जो विधिक प्रक्रिया है उसी का पालन किया जाए। और आपको फिर भी लगता है कि अगर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, न्यायालय किस लिए? न्यायालय से आप लेके आइए, ऑर्डर लेके आइए न्यायालय से, उच्च न्यायालय जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, शाइस्ता परवीन को बरी कर दिया जाए, अतीक अहमद को छोड़ दिया जाए, मुख्तार अंसारी को छोड़ दिया जाए, जैसे कि आप हमेशा पहले से करते रहे। आपने आजम खां के मामले में भी यही कहा कि नहीं वो तो निर्दोष है, वो कुछ नहीं। अरे निर्दोष है, इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रहे? अभी भी कोई उनके केस बंद नहीं हुए, अभी वो जमानत पर है। तो जो लोग जमानत पर है, जमानत उनको कैसे मिली? उन्होंने विधिक प्रक्रिया का पालन किया, जमानत मिल गई। आप चाहते नहीं थे कि जो है आजम खां जेल से बाहर आए, जब तक आपने नहीं चाहा तब तक जेल से बाहर नहीं है, जब आपने चाहा जेल से बाहर ले आए तब आप जेल से बाहर ले आए उनको। तो आप तो दोनों तरफ चल रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू लेना चाह रहे हैं, अपराधियों का महिमा मंडन भी कर रहे हैं और सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जनता समझती है, जनता समझ रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों आवश्यक है। यही सारी बातें लेकर के 2022 के इलेक्शन में आप गए और 5 की 5 राज्यों में कहीं पर भी आपका खाता नहीं खुला, कहीं पर भी खाता नहीं खुला। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 1 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद में भी विपक्ष गुरूर और गुमान में कहते थे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर गलत है। उत्तर प्रदेश में कहते रहे बुलडोजर गलत है। बाबा ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और कहा हाँ अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, अगर दोबारा सरकार आई फिर अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, अगर जनता इस चीज को पसंद करती है तो जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने। और 37 सालों बाद अगर किसी की पार्टी रिपीट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता की, जो जनता की भावनाएं थी, जो जनता की इच्छाएं थी, उस पे खरे उतरे और जनता ने उस पे मोहर लगाई और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज फिर आप कह रहे हैं बुलडोजर गलत, आप फिर कह रहे हैं अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप अपराधियों का आरती उतार सकते हैं, आप अपराधियों का माल्यार्पण कर सकते हैं, आप अपराधियों को माननीय बना सकते हैं, उनको टिकट दे करके सांसद विधायक मंत्री बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध है, इसके खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है। और जो उचित कार्रवाई है, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने से कोई रोक नहीं सकता। जी केसी जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और भुवन भास्कर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, वहीं आज एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। प्राइम चर्चा में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।